ये लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? बेंटा बास को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उस केस में हमारे पास हमने देख लिया था कि बेंटा बार की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितनी होती है शेयर इन्फोर्समेंट में, मतलब शेयर रेजिस्टेंस में 50%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। ये मिनिमम क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखें, लास्ट टाइम हमने देखा कि नॉर्मल शेयर स्ट्रेस होता है, अगर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? शेयर इन्फोर्समेंट। और शेयर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे पूरा डिजाइन करके, ठीक है, डिजाइन करके मतलब उसकी स्पेसिंग वगैरह सब निकाल कर उसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे। अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी होता है तो उस केस में, इस केस का मतलब है कि जितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा कॉन्क्रीट ही टैकल कर सकता है विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं कुछ मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट की तो हम फिर भी डालते हैं और उसके कुछ फायदे होते हैं, वो फायदे भी हम देखेंगे। और कितना डालते हैं मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट उसका फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट को वर्टिकल स्टेज उसकी फॉर्म में ही प्रोवाइड कर देते हैं, और वैसे भी मोस्ट प्राइडली हमारे कौन से ही प्रोवाइड होते हैं वर्टिकल स्टेप सी, शेल बी प्रोवाइडेड सच दैट, दिस इज द फॉर्मूला ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट जो करनी है वो इस फॉर्मूले से प्रोवाइड करनी है। लेट्स से कि अगर पहले वाला केस फॉलो होता तो अगर हमें वर्टिकल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती हम किस फॉर्मूले से प्रोवाइड करते? वी यू एस इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। अगर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस कंक्रीट कैपेसिटी से ज्यादा आता है तो इस फॉर्मूले से प्रोवाइड करेंगे, अगर कम आता है तो मिनिमम इस फॉर्मूले से प्रोवाइड करेंगे, ठीक। यहां पर एएसवी क्या है? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग्स इफेक्टिव इन शियर। एसवी है यहां पर, दिस एसवी स्टिरअप स्पेसिंग, स्टिरअप स्पेसिंग अलोंग द लेंथ, along the length of member in mm, in mm. B आपका आ जाएगा width of the member, width of the member, ठीक है। तो अगर flange beam होता है तो उस केस में B आपका किसका width होता है? Rib का। और width of a rib, rib मतलब कि web, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लेंज सेक्शंस, इन केस ऑफ फ्लेंज सेक्शंस। एफ वाई आपको पता है यील्ड स्ट्रेस होता है, बाकी इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नोट दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगेन आप लोग जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगेन आप लोग क्या करोगे, स्टीरअप का ग्रेड खुद डिसाइड करोगे, ग्रेड डिसाइड कर लोगे, ठीक है, एरिया भी निकाल लोगे, फाइव मानकर, जैसे फाइव मैंने 8 mm मान लिया,
कौन सा ग्रिड मान लिया Fe250, तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये अडॉप्ट करने के बाद हम क्या निकालते हैं, स्पेसिंग को निकालते हैं। तो फिर स्पेसिंग निकाली जाएगी, तो स्पेसिंग क्या आएगी, एस वी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी अपॉन 0.4 इंटू बी। Done. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, कि क्यों हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालते हैं। The minimum shear reinforcement is provided for the following. ठीक है, पहला पॉइंट, एनी सडन फेलियर of beams is prevented. If concrete cover bus and they bond to tension steel is lost. ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे कि अगर ये बीम होता और हमने सिर्फ इस तरह से टेंसाइल स्टील प्रोवाइड किया होता, और किसी कारण अगर ये नीचे वाला कॉन्क्रीट जो क्लियर कवर है ये बस्ट हो जाता, तो उस टाइम क्या था, आपका जितना भी स्टील है, ठीक है, उसका जो बॉन्ड है वो लूज हो जाएगा किसके साथ, कॉन्क्रीट के साथ। ठीक है, फिर वहां पे क्या काम करेगा वो, वेयर एज अगर आपने उसको स्टीरअप डाला होगा इस तरह से, ठीक है, तो उसको पोजिशन में रखेगा। समझ आ रही बात, तो ये इसका पहला बेनिफिट है। अब दूसरी बात है कि स्टील डाला है तो इवेंचुअली इससे क्या है कि आपकी बीम की डक्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो ब्रिटल फेलियर क्या होगा, ब्रिटल शेयर फेलियर इज अरेस्टेड। ठीक है, ब्रिटल शेयर फेलियर इज अरेस्टेड विच वुड हैव अकर्ड which would have occurred without shear reinforcement, without shear reinforcement. तो जैसे ही आपका, मैंने कल बात की थी कि diagonal tension crack आएगा, ठीक है, तो diagonal tension crack आएगा इस तरह से, तो अगर वहां पे steel होगा तो उसको arrest कर लेगा, अगर steel नहीं होगा तो concrete crack हो जाएगा, क्योंकि concrete की खुद की जो है capacity कम है tension के अंदर। ठीक है, तो शेयर रिइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको ब्रिटल फ्रैक्चर को बचाएगा। ठीक है, और स्टील भी ज्यादा नहीं डाल देना है, ये कल बात डिस्कस की थी हमने कि स्टील ज्यादा डाल दोगे फिर भी क्या हो जाएगा, फिर आपका कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा, डायगनल कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि जो श्रिंकेज होता है वो किस तरह का क्रैक इंड्यूस करता है, बताओ श्रिंकेज किस तरह का क्रैक इंड्यूस करता है, टेंसाइल क्रैक करता है। ठीक है, तो ये स्टील डालने से उस तरह के क्रैक को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेंसाइल फेलियर इज प्रिवेंटेड विच वुड हैव अकर्ड ड्यू टू श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेसेस भी आती हैं, टेम्परेचर चेंजेस के कारण थर्मल स्ट्रेसेस
एक्सेट्रा, ये तीन बेनिफिट हो गए। फोर्थ बेनिफिट ये है कि स्टिरप्स लगाई होंगी तो आपके इन्फोर्समेंट को इन प्लेस रखेगा, ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टम कास्टिंग करते हैं टू होल्ड द रिइंफोर्समेंट इन पोजीशन, इन पोजीशन व्हेन कंक्रीट इज पोर्ड, ठीक है, नोट करेंगे। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, चीज वो लिखेंगे फॉर सॉलिड स्लैब्स, स्लैब्स के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड सेक्शन फॉर सॉलिड स्लैब्स, ठीक है। सॉलिड स्लैब्स के लिए जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है आपका, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, आपके बीम के केस में हमने क्या पढ़ा था, वो टाउसी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, जो खुद का शियर स्ट्रेंथ है किसका, कंक्रीट सेक्शन का, ठीक है, वही आपने स्लैब के केस में क्या लेना है, शेल बी, शेल बी के टाइम्स टाउसी, पहला पॉइंट स्लैब के केस में वो लेना है के टाइम्स टाउसी, के का मतलब कुछ वैल्यू है जो कोड ने दिया है, वेयर के हैज द गिवन वैल्यू, given value as below, ठीक है, फर्स्ट रो में क्या लिखा है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है, तो स्लैब का डेप्थ ग्रेटर देन 300 mm, 275 mm, 250 mm, 225 mm, 200, 175 और लास्ट में लेस देन 150 mm, और इन सब के लिए k का वैल्यू हमें गिवन है कोड में। 300 के लिए के का वैल्यू है 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30। अब यहाँ पे मेरा कंसर्न इन वैल्यूज को याद करना नहीं, ठीक है, बट एक ऑब्जर्वेशन को लेना है जो कि मैं नोट में लिखूंगा, ठीक है। आप देखें जैसे जैसे ओवरऑल डेप्थ स्लैब का बढ़ घट रहा है, 300 से कहां जा रहा है 275, 250, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो के का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसे ही आपकी स्लैब क्या हो रही है, कम डेप्थ की होती जा रही है, के की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब उसका शेयर एक
कैरी करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यही पॉइंट नोट में लिखूंगा मैं, नोट। इस पॉइंट को आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड दिस इज ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव शोन दैट स्लैब्स एंड दैट स्लैब्स shows increase in shear strength with decrease in its overall depth, that is thinner the slab greater is the increase in shear strength, greater in the is the increase in shear strength. ये आपको लाइन ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, स्लैब में क्या रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है? एनीवन? स्लैब में क्या शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है? ठीक है, नॉर्मली स्लैब्स के अंदर, इन स्लैब्स जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आता है वो हमेशा ही कम आता है के टाइम्स टाउ सी से। ये स्लैब्स के अंदर ये चीज होती है, आपका जो भी नॉर्मल शेयर स्ट्रेस आता है वो उसकी खुद की कैरिंग कैपेसिटी से कम आता है, ठीक है। और स्लैब का आपको पता थिकनेस भी कम होता है एज कम्पेयर टू स्लैब बीम्स, तो स्लैब के अंदर आपका रिक्वायरमेंट नहीं होता शेयर रिइंफोर्समेंट का, ठीक। एंड हेंस डू नॉट रिक्वायर शियर रिइंफोर्समेंट, हेंस डू नॉट रिक्वायर शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमारे पास एक लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पैन टू डेप्थ रेशियो लेते हैं, ठीक है। वो जब हम अपनी स्लैब जब उससे सेटिस्फाई करवाते हैं तो हमारी स्लैब ऑटोमेटिकली शेयर इन्फोर्समेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो उसका रीजन वहां पर है, मैं यहां पॉइंट लिख लेता हूं, दिस इज बिकॉज थिकनेस ऑफ स्लैब कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम लिमिटिंग मतलब डिफ्लेक्शन को लिमिट करने के लिए कैसे स्पैन टू डेप्थ रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बाद में डिस्कस होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द थिकनेस ऑफ स्लैब कंट्रोल बाय लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज यूजुअली एडिक्वेट in term of shear capacity. तो टेक अवे पॉइंट यहां से ये है कि आपके स्लैब के अंदर, ठीक है, यू डू नॉट रिक्वायर शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है, बिकॉज tau v का वैल्यू k टाइम्स tau c से कम आता है। एंड सेकेंड टेक अवे पॉइंट ये है कि जितना स्लैब आपका थिन रहेगा, ठीक है, उतना ही उसका शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी ज्यादा होगा, नोट कर लेंगे।
हो गया नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन स्टेप्स। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं बता दूंगा कि किस तरह से डिजाइन करते हैं। एक्चुअली बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो बातें हमने डिस्कस की हैं वही सारी बातें। तो पहला स्टेप आपका होता है कि आप लोग डिटरमाइन करते हो टाउ बी। टाउ बी क्या होता है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे निकालोगे? फैक्टर शियर फोर्स अपॉन एरिया बी इंटू डी। ठीक है, दूसरा स्टेप है आप लोग कोर से टाउ सी मैक्स निकालोगे। टेबल है, कल मैंने आपको टेबल करवाया था, टाउ सी मैक्स को वहां देख लोगे। ठीक है, और टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे, डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, यहाँ पे होगा ऊपर, हमने कल किया था। ठीक है, यहां से टाउ सी मिक्स निकालोगे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। जो भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल दो। फिर उसको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, और हमें कोर क्या कहता है कि किसी भी केस में चेक करें कि आपका टाउ बी जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए किससे, टाउ सी मैक्स से। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं। इफ नॉट स्पेसिफाइड सेक्शन इज रीडिजाइन। ठीक है, सेक्शन को रीडिजाइन करके क्या कर देंगे, हम उसका टाउ भी कम कर देंगे, टाउ सी मैक्स। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेप आएगा। ठीक, अब आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे, टाउ सी डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, और ये भी हमने कल देखा था किस पे डिपेंड करता है, फ्रॉम द स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। कल एक को टेबल दिखाया था ना, फोटो खींच के आप लोगों को, उसमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट था और स्टील था। वहां से आप कॉन्क्रीट का क्या निकालोगे, खुद का स्ट्रेंथ। उसके बाद देखना है, यहाँ पे स्टेप है, इफ टाउ वी इज लेस देन 0.5 टाउ सी, देखना ये वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर डिजाइन के स्टेप में, 0.5 टाउ सी है। तो टाउ भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस कम है शियर स्ट्रेंथ से, मतलब कि कंक्रीट खुद ही उठा देगा, पर कितना कम है, उसके 0.5 गुना से भी कम है, तो कोई भी शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नो शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, नो शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। सिक्स, टाउ भी is in between 0.5 tau c से लेके tau c के बीच में। ठीक है, अब tau भी क्या है, 0.5 गुना से तो बड़ा है पर tau c से छोटा है। इस केस में आप लोग क्या प्रोवाइड करोगे, बताओ? मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट। बिल्कुल सही, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का भी फॉर्मूला पढ़ा आपने पीछे, बताओ क्या है? ESV इनटू BSV, ठीक, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि टाउ वी जो है वो एक्सीड कर गया टाउ सी से, तो फिर आप लोग शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, तो बकायदा उसे पूरी तरह से डिजाइन करोगे। ठीक है, प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट फॉर टाउ वी माइनस टाउ सी। ठीक, और आपको कल मैंने तीन फॉर्मूलास कराए थे, वर्टिकल स्ट्रिप डालना है तो वीयूएस का अलग फॉर्मूला है, इंक्लाइन डालना है तो उसका अलग फॉर्मूला है, बेंट अप से लेना है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, मैक्सिमम 50% उसका अलग फॉर्मूला है।
ठीक है, दीज आर द डिजाइन स्टेप्स फॉर द डिजाइनिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट इन बीम्स स्लैब में. डू वी रिक्वायर शेयर इन्फोर्समेंट स्लैब्स? नो नो सर नो, बिकॉज स्लैब इज सेल्फ सफिशिएंट इन कैरिंग द शेयर स्ट्रेसेस. ठीक है, वो कहाँ से गवर्न होता है? उसका लिमिटिंग डेप्थ क्राइटेरिया, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, उसका स्पैन टू डेप्थ रेशियो ऐसा रखा जाता है कि ऑटोमेटिकली वो किस में फिट हो जाए? शेयर क्राइटेरिया में. डन सर. ये वाली सर, ये लास्ट पॉइंट ना सर, टाउ वी माइनस टाउ सी वाला, ये थोड़ा सा जाना सर, ये क्या है सर, ये समझ नहीं आ रहा. हाँ, कल करवाया था ना कि मैंने किस बताया था वो किस शेयर फोर्स के लिए आप डिजाइन करोगे, है ना, शेयर एनफोर्समेंट. माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाउ सी उसकी खुद की कैपेसिटी है और टाउ वी जो बाहर से आ रही है जो हमें रोकनी है टाउ वी. ठीक है, मानो कि टाउ वी आ रही है 50, इसकी कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी है 30, तो मतलब डिजाइन तो आप 20 के लिए करोगे ना, क्योंकि 30 तो कंक्रीट के पास खुद की है. कल मैकेनिज्म देखा तो था, उसमें चार टर्म्स थी हमारे पास, अनक्रैक्ड पोर्शन, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, ठीक है, डबल एक्शन प्लस वीएस, ये सब मिलकर क्या रोकते हैं? शेयर रेजिस्टेंस है ये सिर्फ जो कंपोनेंट है, ये है शेयर इन्फोर्समेंट. बाकी तीनों तो कॉन्क्रीट के पास अंदर होते ही है, तो ये टाउ सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, टाउ वी के लिए डिजाइन नहीं करना है. टाउ वी तो टोटल आ रही है ना, टोटल आ रही है. ठीक है, टोटल डिजाइन से कम है टाउ सी से, तभी माइनस करना है. क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं आया, फिर से बोलना सर. सर डिजाइन टाउ सी है ना सर, तो अगर हमारी टाउ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, वो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ मतलब कि कंक्रीट का खुद का शियर स्ट्रेंथ है विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट. That is the shear strength of concrete without the shear reinforcement. ठीक है, मतलब अगर उससे ज्यादा वैल्यू का शियर स्ट्रेस आ गया तो उसको जरूरत पड़ेगी हेल्प की, और हेल्प करने के लिए हम क्या डालेंगे अंदर? स्टिरप्स को. और स्टिरप्स को डालेंगे किसके लिए? जितनी जरूरत है हेल्प की, है ना. जैसे टॉवी आ गया 50 kN, 50 N पर mm स्क्वायर, लेट से कॉन्क्रीट के बाद खुद कैपेसिटी थी 30 की. अब इसको कितने की जरूरत है कि बाहर से एक्सटर्नल हेल्प मिले? 20 की. तो 20 के लिए हम लोग क्या डालेंगे? स्टिरप डाल देंगे. और ये भी हो सकता है कि जो 20 का रिक्वायरमेंट है इसमें हम 10 बेंटअप से ले सकते हैं मैक्स. यस सर, बेंटअप से हम कितना ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं. फिर 10 के लिए वर्टिकल स्टिरप को डिजाइन कर दोगे. ठीक है, थैंक यू सर. कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? चलो फोन में कर लो. एक थोड़ा सा छोटा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाएगा कि क्या पढ़ा हमने. रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम of rectangular cross section of width 230 mm and effective depth 400 mm is subjected to a maximum shear force of 120 kN. The grade of concrete main stirrups, concrete main steel, comma stirrups are M20, Fe415, Fe250 respectively. For the area of main steel provided the design
शीयर स्ट्रेस इज टाउसी, ये देखो ये लिखा है डिजाइन शीयर स्ट्रेस, तो क्या लिखा है टाउसी, टाउसी मतलब क्या समझोगे अब आप, कि ये कंक्रीट का शेयर कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो तीन कंपोनेंट जो है the beam is designed for collapse limit state. Find the spacing of two-legged 8 mm stirrups. Options hai isme 40 mm, 115 mm, 250 mm, 400 mm. Karo sir. गलत है, हुआ किसी का? सी 394 देखो ये क्वेश्चन बनता है ऐसा क्वेश्चन एनालिसिस का, सब कुछ दिया आपको, आप डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप जस्ट एक अननोन इन्फॉर्मेशन को निकाल के दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। ज्यादातर हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में जेई लेवल में ये नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पास ज्यादा गेट में आते हैं, ठीक है। और आंसर इसका क्या है, 115 mm, ठीक। आपके जेई एग्जाम में ज्यादा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आएंगे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड, कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से दिखेगा आपको, चांसेस कम है, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। सबसे पहले आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टाउ वी। टाउ वी का फॉर्मूला क्या है, वी यू अपॉन बी डी। वी यू का वैल्यू कितना दिया है, 120 किलोन्यूटन, तो 120 into 10 to power 3 न्यूटन। विड्थ कितना दिया है, 230, और इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है, 400, 230 mm into 400 mm। इसको सॉल्व करोगे तो टॉवी का वैल्यू आ जाएगा 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इसमें काम है टाउ सी निकालना, और टाउ सी तो दिया है 0.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है। अब इस स्टेप में हमने टाउ सी मैक्स क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, टाउ सी मैक्स हम चेक करते हैं किसमें, जब हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं खुद। ठीक, अब आपने देखा कि टाउ वी आपका ग्रेटर देन आ गया टाउ सी, दैट मींस शेयर इन्फोर्समेंट इज डिजाइन। इसका मतलब ये है कि शेयर इन्फोर्समेंट को डिजाइन किया जाएगा। अच्छा, वी यू एस कितना बनेगा, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। टाउ वी का वैल्यू कितना है 1.3, टाउ सी का वैल्यू कितना है 0.48, बी का वैल्यू अगेन कितना है 230, डी का वैल्यू कितना है 400 mm स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका वी यू एस कितना आ जाएगा यहां से निकल कर, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 75.84 किलोन्यूटन वी यू एस। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मेन स्टील का कितना है 415, स्टीरअप्स का कितना, स्टीरअप्स का देखना आपको, स्टीरअप्स का काम का है दैट इज 250। ठीक है, फॉर द एरिया ऑफ मेन स्टील प्रोवाइडेड द डिजाइन शियर स्ट्रेस कितना, द बीम इज डिजाइन फॉर कोलैप्स लिमिट स्टेट, फाइंड द स्पेसिंग ऑफ टू लेग्ड 8 mm स्टीरअप्स। तो स्पेसिंग निकालना है टू लेग्ड 8 mm स्टीरअप, तो उसने आपको क्या बोल दिया, उसने कौन सा यूज करना है, यूज टू लेग्ड 8 mm स्टीरअप। तो मतलब स्टीरअप का डाया कितना है, फाई कितना है 8 mm। ठीक, फॉर्मूला क्या है स्टीरअप लगाने का, 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी। ठीक है, वी यू एस कितना आ गया 75.84 इंटू 10^3 न्यूटन इंटू 0.87। अब देखो यहाँ पे एफ वाई कौन सा लगेगा, क्वेश्चन में दो एफ वाई दिए हैं, एक एफ ई 415 और एक एफ ई 250। आप स्टीरअप का फॉर्मूला लगा रहे हो तो स्टीरअप में एफ वाई कौन सा लगेगा 250। ए एस वी कैसे निकालोगे, टू लेग स्टीरअप है, टू लेग स्टीरअप तो क्या करेंगे, टू टाइम्स इंटू पाई बाई फोर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू डी क्या है यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ जो कि 400 है। एस वी तो निकालना है, दिस इज एस वी, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे अगर 115 mm आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया इसको, क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव पाई। पहले तो बता दो कि शियर स्पैन क्या होता है, शियर स्पैन इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए where bending moment is zero, shear force is constant, shear force is constant या bending moment constant होता है, shear force is constant। ठीक है, जहां पर आपका shear force constant होगा उसे आप shear span बोलेंगे। ठीक है, next question, what is adoptable maximum spacing
between vertical stirrups. In a RCC beam of a rectangular cross section having an effective depth of 300 mm. Option A, 300 mm. Option B, 275 mm. Option C, 250 mm. Option D, 225. देखो, आपको पूछा मैक्सिमम स्पेसिंग क्या अडॉप्ट करोगे वर्टिकल स्टीरअप के लिए. कल पढ़ा था वर्टिकल स्टीरअप के लिए क्या होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टीरअप के लिए क्या होता है, इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0.7D और या फिर 300 mm. तो 0.7D कितना हो गया, डी कितना दिया 300, 225 mm. तो मिनिमम है तो 225 आंसर आ जाएगा. हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन. Minimum shear reinforcement is provided. Provided to option A, resist shear force at the support. B, resist shear on account of accidental torsion. C, arrest the longitudinal cracks on side faces due to shrinkage and temperature stresses, and D, resist shear in concrete developing on account of non-homogeneity of concrete. बताएं क्या आंसर होगा. बी सर, सी डी में से कोई. अरे टॉर्शन तो आपका डबल कंप्रेशन साइड वाला रिइंफोर्समेंट रोकता है. यस सर.
फिर यहाँ मिली, आप शेयर इन्फोर्समेंट को कहाँ ले आए बीच में, लिखवाया भी नहीं मैंने। आंसर इज सी यार, अभी तो लिखाया टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड श्रिंकेज। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट। Is provided in a beam as option A, longitudinal bars, option B, bent up bars, option C, helical reinforcement, option D, 90 degree bend at the bends of main bar. क्या आंसर होगा? Diagonal tension reinforcement. Diagonal tension crack किस तरह से आता है? 45 degree पे, कल बात हुई थी अभी। इसको resist करने के लिए क्या करोगे? ये जो main bar था यहाँ से bent up bar उठा दोगे, ठीक है? ये तो कुछ और ही उड़ गया। ऐसा, ठीक है? किसको रेस्ट कर लेगा आपका? डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट को। आंसर इज योर बेंट अप बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum permissible shear stress tau c max given by IS 456, ठीक है, 1978। आपको 2000 की पहले एडिशन से पहला एडिशन कौन सा था? 2000 से 1978। इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए, डायगोनल टेंशन फेलियर, ऑप्शन बी, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, सी, flexural tension failure, D, flexural compression failure। बताओ डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन। इसका रीजन मैंने कल बताया था आपको, डायगोनल कंप्रेशन सर, वी गॉट। कल हमारी बात हुई थी, सर आवाज नहीं आ रही। कोड, कल बात हुई थी हमारे की, कोड ने कहा कि हमें कंक्रीट के अंदर कौन सा फेलियर नहीं चाहिए, डायगोनल टेंशन से ज्यादा बुरा कौन सा है हमारे लिए, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि वो एक ब्रिटल फेलियर है। उसी चीज को कम करने के लिए कोड ने क्या किया, नॉमिनल स्ट्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई बाय इंट्रोड्यूसिंग द टाउ सी मैक्स वैल्यूज, ठीक है? तो टाउ सी मैक्स वैल्यूज क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? टू रिड्यूस, टू एलिमिनेट द डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अंडरस्टूड?
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ये वाला चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट शेयर का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव आप लोगों का ये जो चल रहा है होली मंथ, हाँ, इसमें आप लोग फ्री कब होते हैं शाम को? आफ्टर सनसेट। नहीं मतलब फ्री नहीं सर, आफ्टर सनसेट मतलब खाना वाना तब खाते हैं, उसके बाद सर प्रेयर वगैरह का टाइम सर कोई 10-10:30 बजे रात को। अगर शाम को किसी दिन क्लास करनी ही हो हमने, लेट्स से कि टाइम कम है, तो अगर उस हिसाब से अगर क्लास करनी पड़े शाम को, तो किस टाइम हम क्लास कर सकते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। सनसेट से पहले अगर हम शाम को क्लास करते हैं तो घंटा 1.5 घंटे की करेंगे, 2 घंटे की मैक्सिमम, तो 4:30 से 6:30 फ्री कर दिया करेंगे आपको। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली कभी कभी सुबह सुबह ना ऐसा होता है कि रोज नहीं अवेलेबिलिटी होती है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है, जैसे आज कोई काम आ गया, घर के काम होते हैं कई बार, तो वो थोड़ा सा इशू होता है। तो जिस दिन अगर सुबह मिस होता है तो उस दिन शाम को कवर कर सकते हैं, या इकट्ठी 2 क्लासेस भी ले सकते हैं एक दिन में। नेक्स्ट वी हैव न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज बॉन्ड एंड एंकरेज। मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन करते हैं, नए चैप्टर के अलग से रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है।